महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने एक बयान में पाथरी गांव को साईं बाबा का जन्म स्थान बताया था और जिसके बाद से ही शिरडी के निवासियों में आक्रोश है और इसी को लेकर रविवार से शिरडी में होटल्स आश्रम समेत दुकानों को बंद करने का ऐलान किया गया है। शिरडी निवासी सभी होटल्स दुकान चाय की दुकानों सहित सब कुछ बंद रखने वाले हैं। मंदिर में कोई भी जाकर दर्शन कर सकता है लेकिन यहाँ रहने और खाने की सुविधा नहीं मिलेगी और न ही पूजा पाठ से जुड़ा कोई सामान यहाँ पर मिलेगा। शनिवार को इस मुद्दे पर बैठक भी बुलाई गई है। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पाथरी गांव में जिस जगह पर साईं बाबा का जन्म हुआ था वहां 100 करोड़ रुपए का विकास काम करेंगे और पाथरी गांव में इस प्रोजेक्ट को अमल में लाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ठाकरे के इस बयान के बाद से अहमदनगर जिले के शिरडीवासी आक्रोशित हैं। फिलहाल शिरडी में बैठकों का दौर लगातार जारी है और मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में रणनीति बनाई जा रही है।